नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपके जीवन में नेक परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, खुशखबरी ही कुछ ऐसी है कि सुनने के बाद आप पागल होने वाले हो। ये वीडियो बैठे बैठे करोड़पति बनाने वाला है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल ही 100% सत्य है। आने वाले अगले समय के अंदर जो बड़े चमत्कार आप सभी की ज़िंदगी में होंगे, ये कलयुग का सबसे अद्भुत चमत्कार होने वाला है। ये समय आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे, जो बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है। अगले दिनों में दोस्तों, घर और परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। सभी लोग आपकी तारीफें करेंगे और आपको बहुत ही बड़ी कामयाबी मिलेगी, जिससे आप सभी के जीवन का एक नई शुरुआत होने वाली है। और दोस्तों, हमारी ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। बस दोस्तों, आपसे निवेदन इतनी सी है कि आप वीडियो को सच्चे मन से लाइक करके इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को प्रारंभ करने से पहले हम एक खास जानकारी आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, हम आप सभी के लिए अच्छी सी जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। छानबीन करने के बाद ही आप सभी के लिए हम बहुत ही खास जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो आप सभी के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके दैनिक राशिफल की बात हो, साप्ताहिक राशिफल की बात हो, या फिर मासिक राशिफल की बात हो, दोस्तों इसके लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इसके बदले हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। बस हम आपसे इतना निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ें, जिसमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। केवल इतना ही हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। तो दोस्तों, हमारी भावनाओं को समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अब हम आप सभी को बता दें कि वास्तुशास्त्र और वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए, हमारे घर जीवन से जुड़े हुए सब तरफ कुछ ऐसे नियम हैं, जिन्हें यदि एक एक करके आपने अपने जीवन में शामिल किया तो आप अपनी हर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। और दैवीय सकारात्मक ऊर्जाएं भी आप लोगों को और आपके घर के संपूर्ण वातावरण को घेर के रख सकती हैं, जिससे आपका जीवन भी सुंदर और सरल बनेगा। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कुछ नियमों का पालन अवश्य से करिएगा। इसका आप वचन लीजिए, तभी आप वीडियो को आगे देखें, अन्यथा आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम गणेशाय नमः नहीं लिखा है, वो जल्दी से ओम गणेशाय नमः अवश्य लिखें, ताकि हम दैनिक राशि फल को प्रारंभ कर पाएं और आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण राशि को भी जानने की कृपा करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए हम बात करते हैं कि आखिरकार वह कौन सी खुशियां हैं जो आपको मिलने वाली हैं और जिसे पाने के बाद में आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, बहुत ही लंबे समय के बाद में ये बड़ी खुशखबरियां आप सभी के जीवन में दस्तक दे रही हैं, तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखें। दोस्तों, प्यार में अब आप लोगों को सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से सुकून मिलेगा। परंतु दोस्तों, जल्दबाजी और भावुकता में कोई निर्णय ना लें। किसी प्रिय इंसान द्वारा कोई समाचार प्राप्त होने से मन में उदासी रह सकती है। दोस्त या फिर रिश्तेदारों का आपके कार्यों में नेक निकालना आपसी संबंधों में कुछ दूरी लेकर आ सकता है। व्यवसायिक गतिविधियां भी थोड़ी धीमी रहने वाली हैं, परंतु आपको जमकर मेहनत करना आपकी व्यवसायिक गतिविधियों को मजबूत बना देगा। दोस्तों, नौकरी पेशा व्यक्तियों की तरक्कीदायक यात्रा सम्पन्न हो सकती है। घर की व्यवस्था को लेकर पति पत्नी के बीच में कुछ मतभेद रह सकते हैं, यदि समय पर आपने इन्हें सुधारा नहीं तो दिक्कत बढ़ सकती है। दोस्तों, स्वास्थ्य काफी सही रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं ये समय आपकी राशि के होने वाली कुछ खास बातें। इस समय आपका ध्यान केवल भौतिक पहलुओं पर केंद्रित हो सकता है, जैसे प्यार, लगाव और कुछ खास पल। एक अच्छे साथी को खोने की उदासी भी आपको परेशान कर सकती है। आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अब सुधरने लगा है, जो आपके लिए बोनस की तरह है। दोस्तों, इस समय पैसे का प्रभाव आपको आनंदित करने वाला है। दोस्तों, अभी आप जिस स्थिति पर हैं, ये आपका भाग्य नहीं बल्कि कड़ी मेहनत और समर्पण है। अभी भावुक होने के साथ साथ आप रोमांटिक या फिर यौन संबंधों के लिए भी पूरी तरह से सजग रहें। लेकिन दोस्तों, फुर्सत भरी गतिविधियां ही आपको व्यस्त रख सकती हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर कार्य करें। दोस्तों, इसके साथ ही साथ हम आप सभी को बता दें, आप लोग जब भी सोने के लिए जाएं तो अपने
आप लोगों को थोड़ा स्वच्छ तरीके से रखना है, वरना दोस्तों ये नकारात्मक ऊर्जा को आश्रित कर सकते हैं। इनसे जल्द से जल्द आप बदल दीजिए। दोस्तों आप अपने बेडरूम में यदि झाड़ू रखते हैं दोस्तों, तो उससे भी थोड़ा बचकर चलें, अन्यथा आपको बड़ी खास उपलब्धियों से आप सभी को हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि आपको व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करने की आवश्यकता रहेगी। सहकर्मियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी कठिनाई होगी। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में पारदर्शिता रखने से व्यवस्था काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। दोस्तों ऑफिस में साथी से विवाद की स्थिति ना बनने दें। दोस्तों पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति सहयोग और सम्मान की भावना बनी रहेगी। युवा अपने पार्टनर के साथ में खास बातें बनाकर रखें। सेहत को लेकर अलर्ट रहने की आवश्यकता है। प्रकृति के निकट रहना आपको स्फूर्ति प्रदान करेगा। दूसरों की इच्छाएं आपको अपना ख्याल रखने की इच्छा से टकरा सकती है। अपने जज्बात को बांधे नहीं और दोस्तों वह कार्य भी करें जिससे आपको सुकून मिले। आप अपने घर के वरिष्ठ लोगों के साथ में पैसे की बचत करने को लेकर कुछ सलाह ले सकते हैं। इस सलाह को जिंदगी में भी जगह दे सकते हैं। आपको अपना बाकी वक्त बच्चों के संग गुजारना चाहिए। दोस्तों घर के कामों को पूरा करने के बाद ही आपकी राशि की गृहिणी आज के दिन फुर्सत में टीवी या फिर मोबाइल में कोई मूवी देख सकती हैं। आप दुनिया में खुद को सबसे रईस महसूस कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके जीवन साथी का व्यवहार आपको ऐसा महसूस करा सकता है। धन को इतनी अहमियत ना दें कि आपके रिश्ते ही खराब हो जाएं। दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि धन आप लोगों को मिल सकता है लेकिन रिश्ते नहीं। आज का दिन दोस्तों आप लोगों के लिए जन कल्याण के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहने वाला है। दोस्तों सट्टेबाजी में निवेश करने वाले लोगों के लिए दिन काफी सामान्य रहेगा। यदि दोस्तों आप अपने व्यापार में स्मार्ट नीतियों को अपनाते हैं तभी वे आपको अच्छा लाभ अवश्य देंगे। दोस्तों यदि आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिले तो दोस्तों आप उसे तुरंत आगे ना बढ़ाएं। किसी नए कार्य की तरफ आप अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों नए काम की पहल जरूर से ज्यादा ना करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, तभी वह किसी परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों आपके अपने भाई बहनों से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। परिवार को अभी आपकी आवश्यकता है, सुनिश्चित करें कि आप बात करने और सुनने के लिए पूरे तैयार हैं। निजी धन पर नजर रखिएगा। अधिक उदार होने से मौके का फायदा उठाने की आपकी ये क्षमता सीमित हो सकती है। प्रियजनों के साथ में यात्रा का आनंद लीजिए। संगीत और भोजन आपको प्रसन्न करेगा। आज के दिन दिल खोलकर स्वागत करिए। बाहरी दुनिया आपको आकर्षित कर रही है और आप इसके हर चरण का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों आपके आकर्षण का केंद्र बने रहने की इच्छा आपकी प्रतिभा को और निखारेगी। यदि आप अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं जीते हैं तो लोग अपने तरीके से तुम पर थोक देंगे। दोस्तों परिवार के साथ में समय बिताने और साथ में भोजन करने के भी योग बने हैं। अपने परिवार या फिर लिव इन पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए आपके ज्ञान फैशन या फिर कला की समझ का प्रयोग कर सकते हैं। भाई या फिर बहन की परेशानियां आपको व्यस्त रखेंगी। आपका जीवन उल्लास से भरा हुआ रहने वाला है और आप इसके हर पल का मजा अपने पार्टनर के साथ में लेना चाहते हैं। पूरी तरह से दोस्तों इसका मजा लें, बस बिना वजह किसी भी बहस में ना पड़ें। हर समय दोस्तों सुंदर और अच्छा देखने के तरीकों पर विचार करें, इससे अन्य लोग भी आकर्षित होंगे। प्रेम में जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। व्यवसाय करियर और आर्थिक राशिफल की यदि मैं बात करूं, तो दोस्तों इस समय आप कुछ अलग और बड़ा करने की सोच रहे हैं जिसमें धन की आवश्यकता पड़ सकती है। डाइम या फिर बैंकिंग पेशेवर वाले दोस्त जिसमें आपकी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों व्यवसाय संबंधित बैठक के लिए यात्रा की योजना बन सकती है। पिता पर आया संकट आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आज आप बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आपके लिए अपने उत्साह को रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों किसी अप्रत्याशी इच्छा को पूरी करने, सहकर्मी के निमंत्रण, एक फिल्म देखने या फिर शहर घूमने की संभावनाएं बन रही हैं। समय अच्छा रहने वाला है, इसका पूरा मजा लीजिए। याद रखें कि सफलता आपके पास नहीं आती है बल्कि आपको इसके पास जाना पड़ता है। दोस्तों सेहत की यदि बात करें
तो सेहत के मामले में आपके राशि वालों का भाग्य साथ मिलता दिख रहा है। जिनकी ग्रह दिशा प्रतिकूल चल रही है उन्हें जोखिम वाले कामों से थोड़ा बचना चाहिए, चोट लगने की आशंका बन सकती है। तो दोस्तों थोड़ा संभल कर चले। आशा करते हैं राशिफल पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी